फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त होने के बाद अरुण सराफ कुरुक्षेत्र पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अरुण सराफ ने नियुक्ति के लिए जहां मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, वहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरेंगे। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन का कार्य प्रदेश को हरा भरा रखना तथा पर्यावरण को ठीक रखना है। साथ ही सराफ ने कहा कि प्रदेश में पेड़ पौधों की स्थिति बहुत खराब है, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध पेड़ पौधों की कटाई तथा पराली जलाने से पर्यावरण अधिक प्रभावित होता है और नुकसान होता है। उन्होंने लोगों से भी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति को हरा भरा रखने की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त करके बनाया चेयरमैन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कॉर्पोरेशन, उसमें जो सबसे बड़ा है प्रदेश को एक हरा भरा रखना, पर्यावरण को ठीक रखना। जब तक हमारा पेड़ पौधे नहीं लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, जो पीछे वन के कटाव हुए हैं और ज्यादा पेड़ पौधों की स्थिति बहुत खराब है, सबसे पहले तो उनको ज्यादा से ज्यादा लगाना, ताकि पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे ही सहायक है। ताजी सांस, ताजी हवा, ऑक्सीजन मिलेगी, और जितना पर्यावरण में गड़बड़ होती है, चाहे पराली जल रही है चाहे और अवैध पेड़ पौधों की भी कटाई होने लग रही है, उनको सारे को बचाव करना और इसमें और ज्यादा लगाना सबसे मुख्य विषय है। तो आप धर्मनगरी पहुंचे हैं आज, तो हाँ। क्या कुछ कहेंगे यहाँ के लिए लोगों को? यहाँ के लिए लोगों को तो सबसे यही मैसेज है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए और हरा भरा रखें। हरा भरा रहेंगे तो आप खुद भी हरा भरा रहेंगे और प्रकृति की जो एक कमी आई है, प्रकृति की कमी दूर करेंगे। अरुण सराफ के कुरुक्षेत्र पहुंचने पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं लीगल प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रमुख धूमन सिंह किरमत ने अपने साथियों के साथ स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सराफ को जो जिम्मेदारी दी है वह नया आयाम स्थापित किया है। उन्होंने अपनी नीर संस्था के माध्यम से सहयोग देंगे। जी सर, क्या बताएंगे आज जो चेयरमैन साहब आए हैं? देखिए, आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि अरुण सराफ जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने संगठन से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनको हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेतृत्व ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, ये एक तरह से नया आयाम जो पहले की सरकारें छोड़ चुकी थी, यानी कि एनवायरमेंट को और हमारे वातावरण को कभी उन्होंने समस्या समझा ही नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार ने जिस तरह से पराली को लेकर इतना हो हल्ला मचा, सुप्रीम कोर्ट तक भी पिटीशन गई, उन बातों को देखते हुए फॉरेस्ट के लिए और एनवायरमेंट के लिए चेयरमैन की नियुक्ति भाई साहब की, अरुण सराफ जी की है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य इस फील्ड में करेंगे और हमारी जो नीर ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम ही एनवायरमेंट के ऊपर करती है, नेचुरल इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नीर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो उसमें भी हम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह अरुण सराफ जी को पेश करेंगे, ताकि लोगों में एक संदेश जाएगी आने वाले समय में घटता हुआ जलस्तर और एनवायरमेंट की कमी बहुत होती जा रही है, इसको किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जाए, ये सारा जागरूकता को लेकर हम सभी मिलकर कार्य करना चाहते हैं। और ये सरकार का जो सराहनीय कदम है, इसको लेकर हम स्वागत करते हैं। कुरुक्षेत्र जिला अपनी तरफ से आज भाई साहब का स्वागत कुरुक्षेत्र में किया, इनका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन।